दोस्तों न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया को फिर से काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। टीम इंडिया जिस तरीके से न्यूजीलैंड से हारी और सिर्फ 110 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 111 रन बनाकर ये मैच आसानी से जीत लिया और टीम इंडिया को बुरी तरह हराया। अब उसको लेकर पूर्व बल्लेबाज भी टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी टीम इंडिया की इस हार पर अपना रिएक्शन दिया है और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के इतने खराब प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने क्या कहा। शाहिद अफरीदी ने लिखा कि इंडिया के पास अभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का चांस है, लेकिन जिस तरीके से दोनों खेल में टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, ऐसे में अब टीम इंडिया का क्वालिफाई करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यानी शाहिद अफरीदी मानते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो जाएगी वो बस चमत्कार ही हो सकता है, ये शाहिद अफरीदी का कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली, उन्होंने क्या कहा वो देखिए। उन्होंने लिखा कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि इंडिया इस टूर्नामेंट में रहे, बरकरार रहे, क्योंकि इतनी जल्दी इंडिया का टूर्नामेंट से बाहर होना ये टूर्नामेंट के लिए ही अच्छा नहीं है। इसके अलावा भारतीय पूर्व बल्लेबाजों ने भी टीम इंडिया की हार पर क्या कहा वो देखिए आप। हरभजन सिंह लिखते हैं, हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा बचाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि हमें टीम इंडिया के प्लेयर्स पर ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अच्छे क्रिकेटर हैं और सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को हर्ट होता है इस तरीके की हार पर, लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छा खेलकर इस मैच को जीता। देवर फैंटेस्टिक इन ऑल डिपार्टमेंट, वो हर डिपार्टमेंट में अच्छे थे, यानी टीम इंडिया से हर डिपार्टमेंट उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, ये हरभजन सिंह ने कहा है। वहीं भारतीय पूर्व बल्लेबाज विवेक लक्ष्मण ने भी टीम इंडिया की हार पर अपनी राय रखी। टीम इंडिया की हार पर उन्होंने कहा कि ये हार टीम इंडिया को जरूर हर्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शॉट सिलेक्शन किया वो सवाल खड़े करता है। न्यूजीलैंड ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इंडिया ने उनका काम आसान कर दिया। अब उनका रन रेट भी टीम इंडिया को हराने पर बेहतर हो गया है और सेमीफाइनल में पहुंचना अब टीम इंडिया के लिए सपने की तरह है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस हार को लेकर टीम इंडिया के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि विराट कोहली तीखी आलोचना का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये नाकामी किसी एक खिलाड़ी की नहीं है बल्कि पूरी टीम और कोच की है। ये हार भारतीय फैंस के लिए डरावना हेलोवीन साबित हुई है। खैर टीम इंडिया ये मैच हार चुकी है और अब देखते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाती है या टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अब टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना इतना आसान नहीं रहा है। अब टीम इंडिया को लगातार 3 मैच अच्छे रन रेट से जीतने होंगे और साथ में ये दुआ करनी होगी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपने एक से ज्यादा मैच हार जाए, यही रास्ता है टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का।